ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 13,000 ਫੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਊ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਈਕ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟਿਡ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3,500 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਸਿੰਕਿੰਗ, ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ, ਸਨੋ ਸਕੂਟਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਖਜਾਰ ਆ, ਖਜਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਂ ਗਏ ਥੇ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਟੜਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਲੂ, ਔਰ ਅਭੀ ਮਨਾਲੀ ਮੇਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਆਗੇ ਸੋਲਾਂਗ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੋਲਾਂਗ ਸੇ ਆਗੇ ਟਨਲ ਤੱਕ, तो टनल से आगे उन्होंने जाने नहीं दिया, बोलते कि परमिट चाहिए गाड़ी का, तो हमें बाइक नहीं जा सकती। और अगर हमें थोड़ा सा आइडिया भी होता तो हम यहाँ कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेते, और शायद ये बाइक परमिट भी नहीं मिल रहा है ना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो इसी वजह से हमें वापस आना पड़ा वहाँ से, ये तो हम टनल से यहीं से कुछ सेटिंग करके चले जाते। तो आपका नंबर हम ले लेंगे तो, है ना, उससे कांटेक्ट कर लेंगे हम। कैसे? या मतलब कि वहाँ पे हम आपको कैसे ढूंढेंगे आने के टाइम? गाड़ी नंबर भाई एक ही जगह रहेगी गाड़ी ना। अच्छा, एक ही जगह पे रहेगी, वहाँ से हम पैदल भी आ सकते हैं। अब पहाड़ी से डायरेक्ट आ सकता है, सुबह तक पहुंच जाएगा भाई। लेकिन भाई को बता देना, भाई ना वहाँ पे वेट करता रहे। ये सोलांग वाला रास्ता ही है ना? अच्छा, तो टनल से जाने? अच्छा 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 अच्छा, आप तो फिर डेली जाते रहते होंगे पर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ वैसे भी वहाँ पे क्या ही करना है, थोड़ा बहुत बंदा एंजॉयमेंट करता वापस आता है। ऑक्सीजन की कमी भी है, सांस फूल जाता है ना। ये मैंने सुना है कि मतलब कि ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। पानी पीना पड़ता है। अच्छा, तो पानी हमने लिया ही नहीं अभी तक। मिल जाएगा ना, मतलब कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा ना। एक्चुअली ये तो बंदा जम्मू से ही है, ये तो बर्फ में ही रहता है, तो इसको पता है सब कुछ। तो अभी जम्मू का और यहाँ का थोड़ा हाइट का डिफरेंस है ना, तो इसलिए वैसे। भाई अब बाइक भी जाती है, रेंटेड बाइक? नहीं, ऊपर उतार को नहीं जाती है। अच्छा, वहाँ पे नहीं जाती है ना। ओके, उतार को बंद है ना, बाकी ये जा सकते हैं, काजा जा सकते हैं। ओके ओके, क्योंकि बाइक पे बर्फ में चलानी भी मुश्किल है ना, इसीलिए शायद है ना बंद किया। हाँ, आजकल बर्फ है ना रोड पे। अच्छा अच्छा, फिर इन्होंने बंद क्यों कर दिया ऐसे? मतलब नहीं जाते हैं, सिर्फ टैक्सी जाएगी। ओके ओके, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे। तो 10,000 गाड़ियाँ नॉर्मल। बाप रे,
चार साल गाड़ी तो हमारे यूनियन में ही है। ओके बाहर की गाड़ी रहती है परमिशन लेके। ओके ओके ये तो गाड़ी वाले भी जा रहे हैं ना बाइक वाले नहीं वापस आगे नहीं आ सकते बराबर करियर से वापस आगे। ओके बराबर जो करियर बढ़ता नहीं आते वापस वापस आगे वापस आगे कोई बाइक नहीं जाने देते ना ना परिसर जाने देगा कोई पोस्टर नहीं आ सकता। ओके ओके क्या ही फायदा इतनी दूर भी बाइक पे आके अगर जाने नहीं दे तो फिर सब बाइक में जाएंगे टैक्सी काम नहीं रहेगी टैक्सी का काम नहीं रहेगा एनजीटी वाले ने किया ना। अच्छा अच्छा इस पे गवर्नमेंट का भी फायदा और ट्रांसपोर्ट का भी फायदा है ना नहीं तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं ज्यादा चलता था अब सब बाइक ही ऐड कर रहे कपल हो गया मतलब बाइक ही ले लेता है। हां और पिछले लोकल घूमना बाइक में बढ़िया रहता है जाम का लफड़ा। और ये मतलब दूसरी स्टेट का कोई गाड़ी हो उसको भी परमिट दे देते हैं कि हिमाचल वाले कोई हाँ के लिए हाँ जी वो तो पहले निकालना पड़ेगा ना कोई हफ्ता पहले निकलता है जैसे आज हम आज 8 तारीख का निकला ना। ओके तो आज हमारा 11 तारीख का निकलेगा 12 तारीख का निकलेगा तो ओके और पास निकालना पड़ता है मतलब प्राइवेट गाड़ी का भी निकाल सकते हैं कोई भी गाड़ी और मिलेगा। मैंने सोचा शायद हिमाचल वालों को पानी लेना है पानी दे रही हूँ। तेरे साले जवाब भी सरकास्टिक जैसे होते हैं। गलत तो सही नहीं मैंने कुछ बोला गलत थोड़ी बोला तेरे जवाब ही सरकास्टिक थे। वो देख भाई गया पूरा ऊंचाइयों में
ऐसी तो मिलेगी वहाँ पे ना। यहाँ पे तो मुझे लगता है उन कपड़ों की जूते नहीं पड़ेगी जो हम साथ में लेके आए। नहीं नहीं ये रोड यहाँ पे भी तो गर्मी होती है। इसलिए लोग रास्ते में मजे ले रहे हैं। बस नहीं वो आंटी ने नहीं सुनने दी तुम्हारी। अरे हम भी पहाड़ों से भाई हमें नॉलेज है पहाड़ों का। अपने में रिलैक्स रहता है अपने कपड़ों में अपने जूतों में। दो चार मिनट की चल वो कर स्लाइडिंग कर ले। चल कर ललित कर 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 मैं रोक लूंगा यहाँ पे। चल चल आ जा आ जा आ जा। चल आ जा तू भी आ जा। ऐसे ऐसे बहुत स्पीड इतनी स्पीड से मत आ यार इतनी स्पीड से मत आ। मैं तो मेरी पकड़ मेरी पंट किलो जाते इसलिए नहीं आता।
चले चक दे। जी भाई लोग ये महाराष्ट्र, ये है रोहतांग। रोहतांग का एंड पॉइंट है इधर, इससे आगे कुछ नहीं है, उससे आगे भगवान ही है बस। इधर जाओगे तो भगवान ही मिलेगा, अभी आपको सड़क सड़क तो नहीं मिलेगी। यही है जी रोहतांग जो मेन पॉइंट है, और यहाँ पे जो है वो बना हुआ है थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, वो सामने देख रहे हो आप, तो हमने फोटो भी डाली है। तो यही मेन है, और अभी बर्फ़ गिर रही है, अभी आपको दिखाएं तो यहाँ पे छोटी छोटी बर्फ़ गिर रही है। और बाकी यहाँ पे जो है और स्लाइडिंग वगैरह, वो टायर वाला ट्यूब वाला अपने क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें ऊपर से बैठ के नीचे ऐसे आते हैं, तो उसका 1000 चार्जेस है, और ये बंदे जो है वो मैनेज करते हैं। और वहाँ पे अगर फोटो खिंचवानी है तो 100 रुपीज़ उसके लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इन्होंने अपना बना रखा है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का कुछ ज़्यादा बेनिफिट है, बेनिफिट इन द सेंस के कोई इंजॉयमेंट है, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है अभी अभी, क्योंकि मैंने पूछा ड्राइवर से, वो बोल रहा था कि मई में जो है वो फ्रेश बर्फ़ रहती है और वहाँ पर तब ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी ये देख सकते हो कि ये बर्फ़ तो पड़ी हुई है, बहुत सारी है, लेकिन ये जो है मेन है। हमने वो स्लाइडिंग की है वो वहाँ से है, तो वो वाली वो बहुत बड़ी स्लाइडिंग है, और वो ऊपर जो है और बड़े बड़े पहाड़ हैं। यही है रोहतांग का मेन, और वहाँ पे जो है ये देख रहे हो गए आप, छोटे छोटे जो है शॉप्स हैं यहाँ पे, तुम आप लोगों को खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। और ये जो रास्ता है ना, ये हमने जो है लिया था, ये जो है लॉन्ग वैली से रास्ता आता है, इधर से जाएगा ये टनल तक, टनल से भी उस लॉन्ग वैली जो भी चल जाएगा। तो ये दो रास्ते हैं, अभी आप इससे आगे सड़क नहीं जाती, तो यही है बस जो मैंने यहाँ पे। देख के आराम से आराम से आराम से हो गया।